आप भी बनाना चाहते हो ना इतने ही क्रिस्पी एंड क्रंची फ्राइड अनियंस फॉर बिरयानी, तो इसके लिए आपको मेरी रेसिपी लास्ट तक देखनी होगी और इसके सारे स्टेप्स बहुत ही अच्छे से फॉलो करने होंगे। सो डोंट मिस द स्टेप्स एंड चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। क्रंची एंड क्रिस्पी फ्राइड अनियंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के ऑनियंस लिए हैं और इसको मैं एकदम अच्छे से साफ कर लूंगी, इसके छिलके निकाल देंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसको एकदम अच्छे से स्लाइस करेंगे, एकदम पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। आप इसका प्रोसेस देख सकते हो, जितना पतला ऑनियन रहेगा उसके स्लाइसेस जितने पतले होंगे उतना ही इसको फ्राई करने में कम समय लगेगा और उतना ही इसका क्रिस्पनेस बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे ऑनियन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, एकदम थिन स्लाइसेस कर लिए हैं। अब हम इसको एकदम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे ताकि इसकी एक एक लेयर सेपरेट हो जाए और एक एक ऑनियन का स्लाइस अलग हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम करेंगे और जब ऑयल गरम हो जाता है आप ऑनियन चेक कर लीजिए इसमें डाल के, और इसको मैं 15 सेकेंड्स के इंटरवल में थोड़े थोड़े ऑनियंस डालूंगी ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए मैंने सारे ऑनियंस डाल दिए हैं। अब हम इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, आप कहीं भी मत जाइएगा इस समय। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है फ्राइड अनियन बनाने का। ये देखिए धीरे धीरे आप देखोगे इसका कलर चेंज हो गया है, 10 to 15 मिनट्स लगते हैं हालांकि इसको, और जैसे ही कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। कई लोग इसको शैलो फ्राई भी करते हैं बट शैलो फ्राई में आपको इतना क्रिस्पीनेस और इतना क्रंचीनेस नहीं मिलेगा। तो ये देखिए अभी हमारे ऑनियन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे बिना टिश्यू पेपर के। सो टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो बरकरार रहेगा, तो जिसकी वजह से ये हमारे ऑनियन है सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे क्रिस्पी अनियन फिर से तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।